मैकी मस्टैंग की पहली मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रिक कार है और ये कार इंस्पायर्ड है फोर्ड मस्टैंग से। मस्टैंग मैक-ई एक इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर है जो कि एक कम्प्लीटली डिफरेंट मॉडल है ओरिजिनल मस्टैंग से। और जितना रिसर्च मैंने किया है उस हिसाब से नाम और लोगो को छोड़ के इस कार में कोई भी चीज ओरिजिनल मस्टैंग से रिलेटेड नहीं है। और इस नाम को फाइनलाइज करने के पीछे फोर्ड ये कहता है कि वो अपने क्रॉसओवर को टेस्ला जैसा डिजायरेबल बनाना चाहता था और इसीलिए उन्होंने मस्टैंग की ब्रांडिंग करी। मस्टैंग मैकी के डिजाइन के बारे में अगर बात कर लें तो एक कन्वेंशनल क्रॉसओवर जैसे दिखती है और इसमें कुछ कुछ एलिमेंट्स आपको ओरिजिनल मस्टैंग जैसे देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि कार की टेल लैंप जो कि थोड़ी थोड़ी इंस्पायर्ड लगती है ओरिजिनल मस्टैंग कूपे डिजाइन से। और मैकी का नाम जो है वो इंस्पायर्ड है मस्टैंग Mach-1 से जो कि फर्स्ट जनरेशन मस्टैंग थी। और साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो कार में आपको कन्वेंशनल डोर हैंडल्स देखने को नहीं मिलते हैं, उसके जगह पे आपको बटन या फिर पिन अनलॉकिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और ओनर्स अपने स्मार्टफोन को एज अ की भी यूज में ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कार के इंटीरियर्स के बारे में, तो मस्टैंग Mach-E का इंटीरियर कुछ कुछ सिमिलर दिखता है फोर्ड के ओरिजिनल मस्टैंग से एक्सेप्ट द सेंटर स्क्रीन। अब सेंटर स्क्रीन एक वर्टिकल यूनिट है 15.5 इंचेस का और इसके साथ एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल भी देखने को मिल जाएगा। कार में कुछ कॉमन फीचर्स जैसे कि एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो, मोबाइल वाईफाई हॉटस्पॉट भी देखने को मिल जाएगा। अब क्योंकि मस्टैंग Mach-E एक इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर है और इसकी बैटरी बॉटम माउंटेड है तो कैबिन स्पेस और बूट स्पेस भी ज्यादा देखने को मिल जाएगा। इस कार में और कुछ कन्वीनियंस फीचर्स जैसे कि कस्टमाइजेबल एम्बिएंट इंटीरियर लाइटिंग, हीटेड फ्रंट सीट्स, हीटेड स्टीयरिंग व्हील, वायरलेस चार्जिंग, पैनोरामिक सनरूफ और बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। Mach-E के सेफ्टी एंड ड्राइवर असिस्टेंट फीचर्स की कुछ बात कर ले तो इसमें सबसे पहले एक फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग सिस्टम प्लस ऑटोमेटेड इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, दूसरा ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम और तीसरा लेन डिपार्चर वार्निंग प्लस लेन कीप असिस्ट सिस्टम देखने को मिल जाएगा जो कि कार को लेन में बरकरार रखने में मदद करेगा आपके इंटरवेंशन के बिना। अब जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कार के इंजन और परफॉर्मेंस के बारे में, तो कार दो वेरिएंट्स में आएगी। पहला जो स्टैंडर्ड रेंज वेरिएंट है उसमें 75.7 किलोवाट आवर बैटरी मिलेगा और जो एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट है उसमें 98.8 किलोवाट आवर की बैटरी देखने को मिल जाएगी। अब कार आप दो वेरिएंट्स में ले सकते हैं, या तो रियर एक्सल ड्राइव या तो बोथ यानी कि 4x4। जो ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है वो 480 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 0-60 माइल्स पर आवर केवल 3.5 सेकंड्स में कवर करता है। और जो लेस पावरफुल वेरिएंट है वो 266 हॉर्स पावर से लेके 346 हॉर्स पावर तक प्रोड्यूस कर देता है। अगर बात करें रेंज की तो जो रियर व्हील ड्राइव वर्जन है वो 490 किलोमीटर्स की रेंज प्रोवाइड करता है और जो ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है वो 435 किलोमीटर्स की रेंज प्रोवाइड करता है एक फुल चार्ज में। इस कार का व्हील साइज आपको 18 से 20 इंचेस के बीच में देखने को मिल जाएगा। और आखिरी में बात कर लेते हैं इस कार की प्राइसिंग के बारे में, तो यूएसए में इस कार की प्राइस स्टार्ट हो रही है $43,995 जो कि होता है 32 लाख इंडियन रुपीज और जो टॉप मॉडल की कीमत है वो $66,000 है जो कि कन्वर्ट होता है 48 लाख इंडियन रुपीज में। और इस कार की डायरेक्ट राइवल है टेस्ला मॉडल एस। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इस कार की सेल्स फिगर कैसे रहते हैं यूएस में जहां पे टेस्ला ने अपना दबदबा पहले से बना रखा है। और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और मुझे कॉमेंट में बताइए आप कैसे कॉन्टेंट देखना चाहते हैं, मैं वैसे कॉन्टेंट बनाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ड्राइव सेफ, हैव फन।